खाली भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में औरत को बहुत आसानी से गाली दी जाती है. औरत को नहीं, आदमी. मैंने आई एम ट्राइंग टू शोकेस मैन एंड वुमेन बोथ इन दिस सिचुएशन. अब्यूजेस आर बीइंग गिवन वेरी कैजुअली. हम लोग है ना बहुत आसानी से किसी को भी किसी भी सिचुएशन में है ना गाली दे देते हैं. और हम गाली तभी देते हैं जब हम कमजोर होते हैं, व्हेन वी आर वीक. अगर हम स्ट्रांग होंगे, अगर हम पावरफुल पोजीशन पे होंगे तो हम गाली नहीं देंगे. हम उस चीज को, उस इंसान को बहुत अपने तरीके से हैंडल करेंगे. बट द मोमेंट वी आर अब्यूजिव एंड द मोमेंट वी फाइट और वी हिट और हम किसी को मारते हैं या कुछ भी ऐसा एक्शन करते हैं जो एक ह्यूमैनिटी के दायरे से बाहर हो जाता है, वो तभी करते हैं जब हम खुद कमजोर होते हैं. हम कौन होते हैं किसी को कोई गाली देने वाले? उसकी जिंदगी की क्या कहानी है वो तो उसी को पता है. तुम कैसे बता सकते हो कि ये है और वो है? सो व्हाटएवर द सिचुएशन इट इज, वो उसकी कहानी है और वो उसको जीने के लिए छोड़ दो. यू डोंट जज. मैं फिल्म फेस्टिवल्स में ही लेके जाने के लिए मैंने इसके लिए इंग्लिश सबटाइटल्स लगा के रखे हैं फिल्म में. यूट्यूब पे मैं सबटाइटल के साथ में डाल रही हूँ. और हमारा चैनल है यूट्यूब पे रोल्स एंड रील्स, उस पर ये पिक्चर अपलोड की जा रही है. एंड वी आर वेलकमिंग ऑल काइंड ऑफ ऑल शॉर्ट फिल्म्स ऑन आवर चैनल. वुमेन्स के लिए हम बोलते हैं कि लेडीज फर्स्ट, पर क्या हम उस चीज को मानते हैं? लेडीज फर्स्ट का मतलब क्या होता है? कभी भी आप लेडीज को बोलते हैं कि आप पहले आइए, या ये काम लेडीज को नहीं करना, या आप आपकी वाइफ के साथ जा रहे हो, सिस्टर के साथ जा रहे हो, बीवी के साथ जा रहे हो, वो एक केजी का लिफाफा भी अगर उठा के जा रही होंगे तो आप बोलेंगे नहीं हम उठाएंगे. सो इट्स अ रिस्पेक्ट, यू नो, इट्स अ रिस्पेक्ट टूवर्ड्स योर फैमिली, योर वाइफ, योर मदर और एनीबडी, एनी वुमेन. तो मुझे ऐसे लगता है कि ये फिल्म एक एक जो कैरेक्टर ये है कि तीनों उलझे हुए हैं अपनी अपनी जिंदगी में. Nobody is content. जिस किसी के पास कुछ भी है वो उससे संतुष्ट नहीं. उससे बाहर निकलने के लिए वो फिर गलत रास्ते अपनाता है. और जो वुमेन का ख़ास तौर पे हमारे हिंदुस्तान में जो डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, या कानून बड़े कमज़ोर हैं, और जो निजी तौर पे हम सोचते हैं कि यार ऐसा होना चाहिए औरतों के लिए, पर इम्प्लीमेंट होता है नहीं होता है, कितना क्या हो पाता है, गवर्नमेंट क्या करती है, लॉज क्या बन रहे हैं. बट ये फिल्म हटा दे सब 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 गवर्नमेंट के, उसको हटा दें हम. सिर्फ अगर हम इस फिल्म की बात करें तो ये एक इंसान की सोच है कि वो एक्चुअली चाहता क्या है. मुंबई जैसे शहरों में आई थिंक ये सब खत्म हो चुका है. कोई औरत को आप अब्यूज़ करोगे तो वो आपको डबल अब्यूज़ करके आपको गटर के अंदर डाल देगी. तो वो दिन चले गए हैं यहाँ, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में आई डोंट थिंक सो अभी तक ये सिचुएशन आ पाई है. लोगों को लगता है कि हमने शादी कर ली है तो अभी ये जैसे गाय भैंस खरीद ली है वैसे बीवी आ गई है. आई थिंक ये बंद होना चाहिए. औरत और आदमी दोनों ये एब्सोल्युटली इक्वल हैं, और एक घर चलाने के लिए दोनों की एग्जैक्टली उतनी ज़रूरत है. इंडस्ट्री में आई थिंक ट्रीटमेंट एकदम फेयर है औरतों का और आदमियों का. इवन जो लड़कियाँ काम करती हैं, डांसर्स हैं, जूनियर आर्टिस्ट हैं, सबको एब्सोल्युटली इक्वल है. आई थिंक पूरा इंडिया में आई थिंक बहुत फ़र्क आ रहा है, और सबको समझ में आ रहा है कि जो औरत है उसकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है. यानी मुंबई में तो औरत काम पे भी जाती है और फिर घर भी संभालती है. जब वो घर पे आती है तो हम उनको समझाना पड़ता है कि भाई तूने काम ऑफिस में जाए जो भी किया, घर में तो बीवी भी है, माँ भी है, तो वो बेचारी को डबल काम करना पड़ता है. आई थिंक वो है भी सुपीरियर, स्ट्रॉन्गर सेक्स. हम आदमी लोग उनको थोड़ा स्पेस देना चाहिए और उन्हें जो करना है वो करने देना चाहिए.